हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें भी आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिलेंगे, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लास्ट जो 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 भी मैं इस जो वीडियो एक्सप्लेन जो वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सपोर्टिव वीडियो जो होते हैं, जैसे कि आपको किस तरह से एक्यूट एंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, राइट एंगल बनाना है, ये हमने सीखा लास्ट पर्टिकुलर हमारे वीडियो में। उसके लिंक्स जो है, वो जो इंटरनल वीडियो है उसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई वीडियो लैगिंग दिख रही है, वो वीडियो अगर समझने में तकलीफ हो रही है, उसका अलग से आपको लिंक दे दिया जाएगा। सो यू कैन यू शुड गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑल्सो, जहाँ पे आप वीडियो इंटरनल वीडियो जो है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द थर्ड वीडियो और मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट वीडियो व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल चैप्टर। आगे देखते हैं किस तरह से आगे और क्या क्या है, वीडियोस भी हैं वो भी देखेंगे हम लोग, किस तरह से एंगल बाइसेक्टर बनाना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है, बहुत कुछ देखेंगे, अलग अलग एंगल्स के देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर द एक्शन, लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सो इसमें सबसे पहली चीज, प्रोटेक्टर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उसने प्रोटेक्टर दिखाया है, स्केल क्या होता है वो तो आपको पता ही है, और दूसरी चीज कंपास क्या होता है वो भी आपको पता है, इट इज अराउंडर। ठीक है, आपने ये ऑलरेडी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में देखा है, सो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है। सेट स्क्वायर क्या होता है, उससे आप अलग अलग एंगल फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि ये है सेट स्क्वायर, जहाँ पे एक 30 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री होता है, यहाँ पे 45 45 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो ऐसे अलग अलग एंगल होते हैं, दो सेट स्क्वायर दिए जाते हैं, एक 90 डिग्री, ये 45 45, दूसरा सेट स्क्वायर होता है जिसमें एक 90 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, सो इसमें वही बोला उसने कि भाई हाउ यू कैन ड्रॉ 30 60 90 45 डिग्री, ये सब कैसे बना सकते हैं यूजिंग सेट स्क्वायर। सो ये आपके सामने ही, यू कैन मेक इट। डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर एक तरीके का कंपास की तरह होता है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जहां जिससे आप लेंथ कहीं किसी लाइन का लेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको देख सकते हो, मतलब वो डिवाइडर वहां पे रखो कितना लेंथ है, उसी को आप स्केल से कंपेयर कर सकते हो, ये कितना लेंथ है, 4 5 6 सेंटीमीटर, जितना भी वो डिवाइडर दिखाता है। ठीक है, ये उसका एप्लीकेशन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो के, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाना है वो दिखाता हूँ। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है उसको पहले समझना है अपने को। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, सो सपोज आपके पास कोई एंगल है, सपोज ऐसा नहीं, आपके पास कोई एक्यूट एंगल, दिस इज वन ऑफ द एक्यूट एंगल। एंगल बाइसेक्टर इज व्हाट, एंगल बाइसेक्टर इज दैट पर्टिकुलर रे व्हिच डिवाइड्स द एंगल, which divides this angle. So for example, X, O, Y. Suppose X, O, Y, this is your acute angle. So this is a ray, suppose O, Z. O, Z will divide. O, Z is called as an angle bisector, provided that will divide this particular angle in two equal part, two equal angles. So क्या हो जाता है, एक्स ओ जेड, एंगल एक्स ओ जेड इज इक्वल टू एंगल वाई ओ जेड। इफ सच इज द केस, देन ओ जेड बिकम्स एंगल बाइसेक्टर। एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देने वाले रे को हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं गाइस। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो। नाउ एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाना है, लेट अस वॉच दैट। ठीक है, लेट अस सी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया है, आपका एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये आपका एंगल है, इट इज अक्यूट एंगल, और मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बनाने जा रहा हूँ। सो एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, सो जैसे कि आपने एंगल क्रिएट कर दिया, एंगल बाइसेक्टर बनाने का तरीका ऐसा है, आपको आपके कंपास में कोई भी ऐसा नॉमिनल डिस्टेंस लेना है, जैसे कि मैंने ये डिस्टेंस ले लेना है। ठीक है, इतना डिस्टेंस लिया मैंने, अब मुझे इस डिस्टेंस, ये जो लेंथ है रैंडम रखना है, इसको हिलाना नहीं है। अभी यहाँ से एक आर्क यहाँ पे मारा, कहाँ पे मारा, वन हैंड ऑफ दिस एंगल का, एक हैंड पे यहाँ पे कट किया और दूसरा वाला यहाँ पे कट किया, कहाँ पे, ओ बी पे, यहाँ पे ऐसा कट किया मैंने,
इस तरह से, ठीक है, हो गया। अगेन आपको डिस्टर्ब नहीं करना एंगल कट, अगर किया तो भी कंसिस्टेंट रहना, मतलब यहां से भी वही मार्क करना है आपको लेंथ, यहां से भी वही मार्क करना है। तो यहां से मैंने सेम लेंथ रख के मार्क किया, यहाँ पे ऐसा मार्क किया, और उसके बाद वापस से आप सेम लेंथ रखोगे यहां से, ठीक है, यहां से ये वाले पॉइंट से आप सेम लेंथ रखोगे, ये वाला पॉइंट आपका यहां से ऐसा मार्क करो, ठीक है। सो सपोज आप इसको बोलते हो ये दिस पॉइंट इज एक्स और ये आपका वाई है, ठीक है। सो क्या किया हमने, हमने क्या किया, ओ से एक लेंथ लिया यहाँ पे, और ओ से अगेन वाई, सेम लेंथ लिया, ओ एक्स और ओ वाई सेम है, ठीक है, और फिर बाद में एक्स से सेम ऐसा कट किया और वाई से भी ऐसा कट किया। नाउ हम क्या करेंगे, जो हमें ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट इसको जोड़ देंगे, विल जॉइन दिस विद दी ओ पॉइंट, ओ से जोड़ेंगे हम लोग, तो दैट विल बी योर एंगल बाई सेक्टर। जैसे मैंने इसको जोड़ दिया और दिस इज योर एंगल बाई सेक्टर। सो सपोज ओ पी बोलेंगे, सो ओ पी इज द एंगल बाई सेक्टर, ठीक है, किसका, ऑफ एंगल ए ओ बी, समझा, ठीक है। सपोज इसको हम लोग लेंगे एम पॉइंट, ऐसा एम मार देते हैं, समझा आपको, इजी एंगल बाई सेक्टर इस तरह से बनाते हैं, ठीक है गाइस। सो व्हाट आई विल डू, इसका सेपरेट लिंक इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको देखने मिल जाएगा, सो दैट यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो सेपरेटली आल्सो, ठीक है। सो लेट अस गो थ्रू नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब वो समझते हैं। उसके पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक लाइन को आप दो इक्वल भाग में डिवाइड करते हो, एंगल को टू इक्वल पार्ट में, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करने वाले जो लाइन या रे को बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर। वो लाइन जो कि एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल यू हैव अ लाइन, लाइन सेगमेंट सपोज ए बी, ठीक है, ए बी आपका कोई लेंथ है, सपोज आपका ए बी है 9 सेंटीमीटर। सो एक ऐसी लाइन जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। सो ऐसी लाइन जो एग्जैक्टली ए बी 9 सेंटीमीटर को आधा में काट दे, 4.5 एंड 4.5, सो ये जो आपका एक्स और वाई जो मैंने अभी नाम दे दिया है, एक्स वाई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सो किसी भी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल भाग में अगर डिवाइड करना है तो वो जो लाइन जो डिवाइड कर रहा है उसका नाम है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे यहाँ पे एक्स वाई इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा, उससे क्या होता है, सपोज ये पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ कट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, सो ए ओ बिकम्स इक्वल टू ओ बी। सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई जो है दैट विल डिवाइड ए बी into equal section, to equal length, that is OA equal to OB. आप देखते हैं किस तरह से बनाना है, ठीक है, let's watch it guys, देखते हैं। अब perpendicular bisector कैसे बनाते हैं, perpendicular bisector, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा लाइन बनाएंगे, लाइन सेगमेंट AB हो गया, ठीक है, मैंने 9 सेंटीमीटर लिया। अब हमें क्या करना है, perpendicular bisector, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या करना है, B से मोर देन हाफ लेना है, किसका, AB का लेंथ है 9, सो आपको 4.5 से ज्यादा लेना है, मोर देन हाफ का मतलब हो गया 4.5 से ज्यादा। सो यहाँ पे B पे आप रखोगे आपका राउंडर का पॉइंट, और फिर बाद में आप मोर देन हाफ लोगे, सो अंदाजे से लेना है, अप्रोक्सीमेटली लेना है 4.5 से ज्यादा, ये आपका 4.5 से ज्यादा है, फिर आप ऊपर वो आर्क मारोगे ऐसा, और नीचे आर्क मारना आपको ऐसा, इस तरह से मारना है, एंड देन फ्रॉम पॉइंट ए, अगेन पॉइंट ए से आपको सेम ऐसा मारना है और ऐसा मारना है, ठीक है, और एक बार आपको दोनों वो आर्क मिल गए, ये दोनों जो आर्क है ये आपको जो मिल गए, ये जो आर्क मिल गए वो आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ कंसर्न अपना, मतलब आपको इसको ज्वाइन करना। तो जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे ना, सो सपोज ये आपका एक्स है और ये वाई है, सो
एक्स वाई इज परपेंडिकुलर, यहां पे लिखता हूं, इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट एबी, लाइन सेगमेंट एबी। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट है ना, सपोज यहाँ पे ओ बोलेंगे, सो एओ इज इक्वल टू ओ बी, इसका मीनिंग ये होता है ऐसा। जो परपेंडिकुलर एक तो 90 होता है प्लस बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों साइड को इक्वली काट देगा, मतलब एओ इज इक्वल टू ओ बी, तो ए बी इज इक्वली कटिंग थ्रू पॉइंट ओ, एंगल सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से बनाना। ठीक है, सो गाइस समझ में आया आपको किस तरह से बनाना है एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी देखते हैं आगे, नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल। अब जैसे कि हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना सीख लिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीख लिया है, नाउ हम आगे पढ़ेंगे। अब वो बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर टू ऑब्टेन 30 डिग्री, एक एंगल बाइसेक्टर बनाना है 30 डिग्री का। उसके लिए आपको क्या करना है, समझो अगर आप 60 डिग्री प्रोटेक्टर से बना देते हो और बाद में उसका एंगल बाइसेक्टर बनाते हो, समझो देखो प्रोटेक्टर का यूज कर रहे हैं फिर एंगल बाइसेक्टर का यूज कर रहे हैं, सब कॉन्सेप्ट हम एक साथ ला रहे हैं। इफ वी ड्रॉ 60 डिग्री यूजिंग प्रोट्रेक्टर एंड वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर 60 डिग्री, देन विल गेट 30 डिग्री सर्टेनली, ऑब्वियसली यस। ठीक है, सो कैसे करना है चलो देखते हैं। ठीक है, 60 डिग्री पहले से बना दिया मैंने प्रोटेक्टर का यूज करके, आई मेड 60 डिग्री, ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया है एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर कैसे बनाते हैं। 60 डिग्री को अगर बाइसेक करूंगा, 60 डिग्री को अगर मैं बाइसेक करूंगा तो विल बी गेटिंग 30 डिग्री, 30 डिग्री से वो कट जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ऐसा बाइसेक्टर को इक्वली काट देगा, देखते हैं कैसे चलो। क्या है क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर टू ऑब्टेन 30 डिग्री। सो 30 डिग्री ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि आपको पहले पता है कि एंगल बाइसेक्टर क्या है, और क्या होता है ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब क्या, ये दोनों को इक्वल, मतलब ये जो है इस पर्टिकुलर बड़े एंगल को, ये जो एक्यूट एंगल है ये वाला एंगल, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ऐसे केस में अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर जो है वो 30 डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी 60 डिग्री ले लिया, अभी क्या करना है उसे, क्या बोले, कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर टू ऑब्टेन 30 डिग्री। सो इसको बाइसेक कर दो, सिंपल 60 डिग्री लो प्रोटेक्टर से, मतलब आप सबसे पहले ये वाला लाइन बनाओगे, ये वाला रे बनाओगे, फिर यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर का ये जो सेंटर है इसको मैच करोगे इसके पॉइंट से, फिर बाद में कोई रैंडम एंगल बनना, सॉरी 60 डिग्री बनाओगे ऑब्वियसली, बिकॉज उसको बाइसेक करना, अब उसको एंगल बाइसेक्टर का मेथड लगा के आपको बाइसेक करना। सो बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, एंगल बाइसेक्टर अगेन वही हो गया, आपको एक रैंडम लेंथ ले लो, सपोज 2 या 3 सेंटीमीटर आपने ले लिया, सो दोनों जगह से दोनों हैंड को कट करना है आपको, जैसे कि अगर आप इसे नाम दे दिया ओ, ठीक है, सपोज ये ए है और ये बी है, सो आपने क्या किया, ओ ए पे एक ये वाला एक्स और ये पॉइंट वाई मार्क किया हमने, ये आर्क मार्क किया, अच्छा एक्स से और वाई से इक्वली आप और एक आर्क बनाओ, और इस तरह से आर्क बनाएंगे ऐसे, और एक बार ये जो आर्क बन गया, बाद में क्या करोगे आप, इसको ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन करना है, इन दोनों को, ये वाला ओ वाला पॉइंट और अभी अभी जो आपको आर्क मिला उसको, तो देखो इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। वेरीफाई करना है, आओ प्रोटेक्टर लेते रखो, ये वाला जो आपका सेंटर है ओ के साथ मैच करो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये वाली लाइन इस वाले रे के साथ मैच करो प्रोटेक्टर की, और देखो ऑब्जर्व करो 30 डिग्री आ गई। ठीक है, इस तरह से आपको 30 डिग्री बनाना है, ये आपका क्या है 30 डिग्री। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर टू ऑब्टेन 30 डिग्री, तो फर्स्ट विल मेक 60 डिग्री, देन दिस इज 30 डिग्री एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ठीक है गाइस, तो किस तरह से देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर आपको चाहिए तो कौन से एंगल को बाइसेक करोगे,
obviously 90 degree. When you bisect 90 degree, you'll be getting 45 degree. Let us see how. I'll explain you किस तरह से करते हैं उसको, ठीक है? Be very attentive and see किस तरह से बनाना है. So अभी आपको पूछा है construct an angle bisector to form an angle of 45 degree. So सबसे पहले construct an angle bisector to form 45 degree. अच्छा 45 degree बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 degree बनाना पड़ेगा. Because क्या होता है, ये जो आपका 90 degree होता है ना, 90 degree को अगर आप bisect करोगे तो ही आपको 45 मिलेगा. उसके लिए पहले 90 बनाना पड़ेगा. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दी, एक ऑलरेडी लाइन बनाई है, ए बी लाइन सेगमेंट बन जाएगा. सो ये आपका पॉइंट है और यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर रखा. मुझे क्या बनाना है, पहले 90 डिग्री बनाना है. सो 90 डिग्री बनाने के लिए अगेन ये वाले सेंटर, ये वाला जो आपका है प्रोटेक्टर का और ये जो लाइन सेगमेंट का लाइन है, इन दोनों को आपको मैच करना है, बराबर मैच करना है, सो दैट आप अच्छे से 90 डिग्री बना पाओ. सो ये आपका 90 डिग्री का ये पॉइंट है. एक बार ये पॉइंट मार्क कर दिया आपने, देन वी जॉइंट इट और इस तरह से आप आगे अगर बनाओगे, ये आपका 90 डिग्री बन गया. ये हो गया आपका 90 डिग्री. एक बार ये 90 डिग्री हो गया, दिस इज सिंबल फॉर 90 डिग्री. नाउ इसको अगर आप एंगल बाइसेक्टर बनाओगे इसका, जैसे आप यहाँ एक्स और यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ पे ओ ले लो. सभी क्या करना है, एक्स ओ बी का एंगल बाइसेक्टर क्रिएट करोगे, एक्स ओ बी यू विल गेट 45 डिग्री बिकॉज दिस इज 90 डिग्री. और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में ये वाले बड़े एंगल को डिवाइड कर देगा. सो 90 का आधा 45. सो व्हाट विल डू, ओ पे रखेंगे, नहीं लेकिन एंगल बाइसेक्टर बनाना है. सो उसके लिए अपने स्टैंडर्ड मेथड यूज करना है. यहां से ऐसा अगेन आपने ये लिया, ऐसा कट किया और बाद में आपने यहाँ से ओ से वापस से आपने ओ पे लिया और ऐसा कट किया, ठीक है, ऐसा कट किया. फिर बाद में क्या करना है, अगेन यहाँ से एक आर्क बनाना है ऐसा, और ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट से एक और आर्क बनाना है ऐसा, एंड देन आपको मिल गया ये वाला पॉइंट. आप क्या करोगे, ओ वाले से इसको ज्वाइन करोगे, ओ वाले से इसको ज्वाइन करोगे ऐसा. सो दिस इज योर 45 डिग्री. कौन सा, ये वाला 45 डिग्री. इनफैक्ट ये भी होगा 45 डिग्री. अब क्वेश्चन क्या था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर टू फॉर्म एन एंगल 45 डिग्री. सो हमने 45 डिग्री बना दिया 90 को बाइसेक्ट करके, ठीक है. गाइस हैव यू अंडरस्टूड इट? सो इस तरह से हमें बनाना है. सो हमने देखा ये भी सॉल्व किया, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा सम्स से जो हमें हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे, सो भी हमने सॉल्व किया. एक्सप्लेन करने की ट्राई की मैंने कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाली जाए, ठीक है. सो अब जो होगा, अगला जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, विल बी डूइंग इन दी प्रैक्टिस सेट 3 विल बी डूइंग इन दी नेक्स्ट वीडियो. So, तब तक आप इंतजार करें एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज डू टेक केयर एंड प्लीज लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा. और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स. एंड साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करा करें. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.